और आज भी है एक और सुहाना दिन माइनक्राफ्ट में। वेलकम बैक गाइस, आज हम लोग जा रहे हैं एंड सिटी और आज मैं कोई चीटिंग कोई उल जुलूल हरकत नहीं करूंगा। आज हम एक प्योर तरीके से एंड सिटी में जाएंगे, उसको डिस्कवर करेंगे, वहां से एलाइट्रा लेके आएंगे और कुछ स्टूपिड विलन्स को मारेंगे। जी हाँ, लेकिन एंड सिटी में जाने से पहले मेरे को करनी पड़ेगी थोड़ी सी तैयारी, क्योंकि एंड सिटी में है बहुत सारे गड्ढे और किसी न किसी गड्ढे में मैं अपना पैर घाल ही दूंगा अगर मैं तैयार होके नहीं गया तो मेरे को कुछ स्लो पोशंस ले जाने पड़ेंगे जो कि मैंने ऑलरेडी बना रखे हैं। और मैं फेदर फॉलिंग लेने वाला हूँ, एक जो है हमारा लाइब्रेरियन वो हमें फेदर फॉलिंग दे रहा है, वो मैं अपने बूट्स पे लगाऊंगा ताकि हम अगर ऊपर से गिरते भी हैं तो हमें चोट ना लगे या फिर हम मरे ना। और मैंने एक चीज और डिसाइड करी है, जितनी भी हमारी एक्सपी है मैं उसको फुल जितना हो सके उतना स्पेंड करने वाला हूँ। वो कैसे, जितने मेरे पास डायमंड है ना, ये 19 डायमंड्स है मेरे पास, तो मैं उन सबको खर्च करके आर्मर और टूल्स वगैरह बना दूंगा और सबको एन्चेंट कर दूंगा, क्योंकि कभी ना कभी तो हम ये डायमंड यूज करने ही वाले हैं, तो अभी करके चला जाऊंगा मैं ताकि मैं अपनी एटलीस्ट एक्सपी स्पेंड कर सकूं। अब प्रॉब्लम की बात ये है कि मेरे पास एमरल्ड नहीं है, और एमरल्ड में ले सकता हूँ वीट वगैरह बेक के फार्मर को, मेरे को एमरल्ड मिल जाएंगे, लेकिन मैं सोच रहा हूँ एक रेड कर दूँ। बहुत टाइम हो गया रेड करे भी भाई, इसीलिए इन पेट्स को मैं जरा अंदर ले जाता हूँ अपने घर के, एक्चुअली घर के अंदर नहीं, तुम लोग चिप्पू के स्टैचू। ओ मेरी चिप्पू कहाँ गई वैसे, हैं बड़ा टाइम हो गया मैंने देखा नहीं उसे, वो फिर इधर उधर निकल ली। खैर चलो, अपने पास टेलीपोर्टिंग कमांड है, ले आऊंगा उसे मैं वापस। अभी तो वो इधर उधर ही होगी कहीं, वो वहां ना चली गई है नेदर में, उसे कच्चा खा जाएंगे वहां पे। तो इन सारे पेट्स को मैं चिप्पू के स्टैचू के नीचे शरण दे देता हूं। ये चिप्पू का स्टैचू इन्हें बचाएगा होपफुली। ओके गूगलू, तेरी जिम्मेदारी पे छोड़ के जा रहा हूं भाई, इन्हें प्रोटेक्ट करियो। चिप्पू तो मेरे को दूर दूर तक कहीं नहीं दिख रही। अरे स्नो व्हाइट तो यहाँ पे कैसे बैठी रह गई, आजा। चिप्पू भाई आज के समाज में जीने वाली बंदी नहीं है, वो दब के जीने वालों में से नहीं है, वो खुला जिएगी जैसे उसे जीना है। अरे ये न्यू कैट है, हाँ मुझे लगा हमारी फैमिली में है, तो मेरे को और कैट्स नहीं चाहिए, ठीक है वैसे ही बहुत सारी हो रखी है। ओके तो आई एम प्रीटी श्योर वो हमारे रुद्र को कुछ नहीं कहेंगे, और ये जितने भी आयरन कॉलम्स है ना, अगर ये बाहर आ जाते तो मेरे को थोड़ा सपोर्ट मिलता यार। मैं ला सकता हूँ इन्हें बाहर, वैसे मैं यहाँ से दीवार तोड़ के सबको खींच खींच के बाहर ले आता हूँ। वो मेरे पास वो है ना लीड, ओ यस, वो एक्चुअली मेरी हेल्प करेंगे, रेड और भी इजी हो जाएगी। ओके तो ऐसा करते हैं, ये 6 तोड़ने पड़ेंगे आई थिंक मुझे। आ जाओ रे बाहर एक एक करके। और नहीं विलेजर्स नहीं, भैंस के तू कहाँ जा रहा है यार, इनकी यही प्रॉब्लम है। रुको लेकिन मैं इन्हें समझा सकता हूँ, मेरे को तो सिर्फ बेल दबानी है ना, ये सब अपने बिस्तर पे पहुंच जाएंगे वापस। वो बंदा वहां जा रहा है, वो मेरे घर में जा रहा है, तेरी इतनी औकात। भैंस की तेरे को रास्ता नहीं दिख रहा उधर से, ये पिटेगा है। एस पैंकिंग चाहिए तेरे को, लेट बेटा इधर। वो मेरे यार उस पे चढ़ रहा है, वो पोटैटोज पे, उसे मरने दो एक्चुअली, ऐसी की तैसी उसे मरने दो। लेकिन यार फिर कहीं ये वो ना कहे ना कि बचाया नहीं और ये फलाना डिकड़ा। अरे तुम बाहर आओ भाई सारे के सारे, मुझे तुम लोगों की हेल्प चाहिए आयरन गोलम्स। ये सारे के सारे बाहर जा रहे हैं, मैं इसकी मेरा फेदर फॉलिंग वाला भी चला जाएगा शायद बाहर। आई थिंक इतने आयरन गोलम्स, अरे मैं नीचे कैसे गिर गया, मैं इसकी कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा। ओके आई थिंक इतना बहुत है, नहीं मेरे को एक बंदा और चाहिए, मैं वो हूँ क्या कहते हैं उसे, आ जा रे जल्दी आ जाएगा ना तू इधर से। अरे भैंस की इनके भी तो नखरे हैं, आ जा भाई जल्दी। अंदर तो ये सारे सेफ ही हैं, तो मैं इस वाले को भी ले ही लूं। इधर आ रे, मैं बता रहा हूँ बेटा उनकी गुद्दी टूट जाएगी सारे के सारे बंदों की जो भी आएंगे रेड करने। अब जो लोग बाहर रह गए जैसे कि तू ड्रामे, अंदर जा अंदर जा, मैं तेरी गुद्दी तोड़ दूंगा, अंदर जा। धमकाऊंगा ना जब भी डरेंगे। देख एक इसको देखो, अरे और हैटल ये यहाँ पे मैंने ये रखा हुआ है ना, इसीलिए नाच रहे है यहाँ। इधर आ फार्मर के बच्चे, आ जा इधर इधर, आ गया वो, जा अंदर चल, गेट खोल दिया तेरे लिए। अरे भैंस की स्टूपिड फार्मर्स। ओके बॉयज अब टाइम आ गया है अपने रुद्र को ले जाने का और उनकी गुद्दी तोड़ने का। हाइना को भी आजाद कर दिया मैंने, आजाद कर दूं इस बिचारे को, ऐसे फंसा रखा है मैंने। रुको तू फंसी रहे यहीं पे, तू मेरी लड़ाई देखियो, जज करियो मुझे, ठीक है। और ये हम चले आयरन गोलम्स, तुम लोग वेट करो, तुम्हारा चारा लेके आ रहा हूँ मैं अभी। ओके तो हमें सिर्फ इनके लीडर से काम है, अगर वो मुझे दूर से ही दिख जाए तो मेरे लिए आसानी होगी। ओ भैंस की डर गया मैं, ओ भाई कैक्टस था ये, मैं बहुत ध्यान से उस लीडर के लिए देख रहा था कहाँ पे खड़ा है वो। लीडर तो मुझे इनका दिख ही नहीं रहा यार, ओ सारे बगे बगे आए भाई, अपने लीडर को लेके आओ यार। ओ वो रहा, यस उसे मारना है हमें तो बस। अबे कैसे गायब कैसे हो गया वो, आइए रहा, रहा। बुम आ जा बेटा। अरे यार रुद्र तू फंसना बंद करेगा भाई, रुद्र तेरी टांट की वजह से मेरे को दिख भी नहीं रहा उसका थोपड़ा। ओ यस गया, चलो भाई निकलते हैं अब बेटा, कैडे हो जाना है हमें क्योंकि बहुत टाइम हो गया मेरे को रेड करे। मैं तो अपने आयरन गोलम्स पे भरोसा कर रहा हूँ बस। हाँ घंटियां बजा दो तुम भैंस की, चल भाई रुद्र तू इधर आ। ए बूम बस
अब तुम लोग मारो, मैं तो चला ऊपर। आ रहे हैं वो लोग। ध्यान से शुभम, बस तेरे को गिरना नहीं है। अरे यार मेरे पास डब्बे भी कम है, मैं एक्चुअली डब्बे ले आता हूँ वरना गड़बड़ हो जाएगी सब। अबे रेड तो अपने आप कम हो रही है, मेरे आयरन गोलम्स ने बचा दी था भाई। मेरे को लगता है मेरे को कुछ करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। ऑल राइट, कहाँ पे है बंदे? अबे घंटियां बजाना बंद करो, मैं संभाल लूंगा, टेंशन की कोई बात नहीं है। कहाँ से आ रहे हैं वो लोग? ओ बोरे बोरे आयरन गोलम्स, संभालो भाई। अरे लेकिन अगर वो मारेंगे तो मेरे को वो सब नहीं मिलेगा क्या? ये तो गलत बात नहीं है भाई, मारो भैंस की मारो, सही है। इसीलिए कहते हैं दोस्त होते हैं इंपॉर्टेंट। अब मैं जा रहा हूँ, मेरे को एमरल्ड्स वगैरह लेने हैं, वो देते हैं ना एमरल्ड्स। आयरन गोलम्स मारो, यस। किसी को मत छोड़ो भैंस की। अबे एमरल्ड नहीं दे रहे ये लोग। ओ मैं पंगे नहीं ले रहा। अरे बचाओ भैंस की मेरे को। वेरी नाइस, लगे रहो। अबे मेरे को टोटम ऑफ अनडाइंग और ये सब नहीं मिलेगा? उधर से आ रहे हैं ना इस बार। आहा इधर से आ रहे हैं, सारे आयरन गोलम मेरे इधर ही बैठे हैं बेटा। एक एक को भून दिया जाएगा। ओ नो, अरे लॉल, मैंने इसको मार दिया। मेरे पीछे तो नहीं पड़ेगा ये? आई होप मेरे पीछे ना पड़े। लगे रहो। अरे मेरा आयरन गोलम खत्म हो गया, एक मिनट, मेरे को अंदर जाना पड़ेगा भाई। जब तुम्हें पता है तुम उनसे नहीं जीत सकते तो रिट्रीट। ऑल राइट, कहाँ पे हो तुम लोग? इन्होंने यहाँ पे भीड़ लगा रखी है, मेरे सारे आयरन गोलम इधर है। हाँ आ गए। ओ तुम रुको, उन्हें मत मार। गए ये तो। यार एमरल्ड वगैरह नहीं दे रही है, ये तो देते हैं ना एमरल्ड। गरीब लोग हो तुम लोग। ये जादूगर डेंजरस लगता है पर। ओ नहीं 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 नहीं, ये तो बहुत ही, अबे नीचे गिर, गड्ढा ही नहीं दिख रहा मेरे को। ये बहुत डेंजरस लगती है मेरे को, खामा खा का डैमेज करती है ना। ये जादूगरी आई थिंक सबसे ज्यादा डेंजरस है इस पूरी रेड में। अबे यार देखना, फालतू का डैमेज करती है। हालांकि एक शॉट है ये। ओ नाइस, काफी कम हो गई मेरी हेल्थ। अरे वो फिर भेज रहा है, क्यों भाई? या एक ही है ये? मैं बाहर तो जाना चाहता हूँ लेकिन डर भी लग रहा है ना। ओके देखते हैं क्या सीन है। बूम बूम बूम। अबे बच कैसे गया तू भैंस की? और अब वो डॉक्टर रह गया ना बस। अबे दुनिया भर की लूट पड़ी यहाँ तो, मेरे आयरन गोलम्स भी मर गए। वो डॉक्टर कहाँ गया यार? ओ भाई साहब एक्सपी एक्सपी। अरे एक मिनट, व्हाट द हेल, डॉक्टर कहाँ गया? ये रहा ये रहा। नहीं ये अकेला बंदा रह गया शायद। अबे मर जाना भैंस की, कूद रहा है। एक और नहीं, ये विक्ट्री। मेरे को कुछ खास करना भी नहीं पड़ा। और अब मैं क्या करूंगा, जितनी भी आयरन गोलम्स ने मेहनत करी इनका क्रेडिट हड़प लूंगा और इन लोगों से सस्ते में माल पानी लूंगा। ओए तू बाहर, ओए अनएम्प्लॉयड बंदे तू बाहर कैसे चला गया बे? विक्ट्री हो गई तो मतलब घूमेगा, उसे कोई मतलब ही नहीं है, चलो छोड़ो। ओके तो अब ऐसा करते हैं, कोल और वीट वगैरह ले लेते हैं, वो सस्ते में ज्यादा सामान देंगे अब हमें। मेरा वीट कहाँ है यार? ओ सरप्राइज, मेरे पास वीट है ही नहीं। अरे हाँ हाँ उसे बना बना, जॉम्बी बना उसे। अरे ये तो बहुत सही है, बेस्ट की मेरे पीछे मत आ, उसे बना जॉम्बी। बना दिया उसे, आवाज तो आ रही थी। या मावे मार दिया तूने उसे? उठो भाई, विक्ट्री हुई थी, मेरे को सामान दो बढ़िया बढ़िया। फेदर फॉलिंग वाला बंदा कहाँ है? ओ एक सेकंड, तेरे पास पेपर से तू मेरे को एमरल्ड देगा, सही है यार। शुगर केन्स है मेरे पास बहुत सारी, पेपर भी पड़ा है। इन शुगर केन्स से और पेपर मिल जाएगा मेरे को, और उसके बाद पेपर बेक देंगे, कोल बेक देंगे। मैं ये सब क्यों कर रहा हूँ वैसे? एमरल्ड्स के लिए। ऑलराइट तो ये बना बहुत सारा पेपर, नाइस। मेरे पास पेपर तो और पड़ा है, 38 इधर बस। ओके उस पेपर वाले बंदे को ढूंढते हैं। ये रहा, गिव मी एमरल्ड प्लीज। फेदर फॉलिंग 35 में दे रहा है अभी ये, लेकिन मेरे को अभी बहुत कुछ बेकना पड़ेगा तब बात बनेगी। अरे मैं भी सो जाता हूँ यार। गोल्ड में एमरल्ड दे रहा है ये, लेकिन मेरे पास बहुत सारा गोल्ड पड़ा भाई। नेदर वॉट भी बहुत सारे पड़े हैं बेटा, जिंदगी बना रखी है। ये नेदर वॉट उगाई मैंने इसलिए रखे हैं। नेदर वॉट और गोल्ड लेके जाता हूँ। हेलो सर, मुझे बिजनेस करना है, इधर आओ। गोल्ड दो पहले तो। अरे यार ये पड़ा कम दे रहा है पर। और नेदर वॉट दे भैंस की, और दे और दे, लूट लूंगा तेरे को पूरा। 22 नाइस। वीट गाजर पंपकिन कुछ नहीं है मेरे पास। ओके सबसे पहले तो देखते हैं क्या हम फेदर फॉलिंग खरीद सकते हैं अब या नहीं। 7 और इधर 8 पड़ा है। अबे भाई कितना महंगा है यार ये, 37 हो गए। 40 खरीद तो सकते हैं हम। मेरे को एक बार और ढंग से लूटना पड़ेगा इन्हें, तमीज से एक दिन बैठ के ना। ओके फेदर फॉलिंग ले लेते हैं पहले तो, नाइस। हमारे पास फेदर फॉलिंग तो आ गई, लेकिन अब बात ये है कि क्या इसी पे लगाऊं मैं फेदर फॉलिंग? मैं इसी को पहनने वाला हूं तो इसी पे लगाते हैं यार। लेकिन मैं अपना सारा ये सेट नहीं लेके जाऊंगा एंड सिटी में, मैं सिर्फ पैर और चेस्ट प्लेट लेके जाऊंगा। चेस्ट प्लेट इसलिए क्योंकि एंडरमैन होते हैं वहां, और चेस्ट प्लेट बहुत जरूरी है उनके लिए, उनके अगेंस्ट एक्चुअली। ओके अरे मैं अब तो नाम भी रख देता, मेरे को एक्सपी भी तो स्पेंड करनी है। इस बो का नाम रख देते हैं डेथ रेन। वाओ इतने एपिक नाम कैसे सोच लेता हूँ मैं, किसी को नहीं पता चलेगा।
अरे मैं गुचड़ू हूँ पर मेरे को आर्मर में 30 XP भी तो चाहिए थी, देखना मैं और मैं पूरे स्टार्टिंग के एपिसोड में यही बात करने लग रहा था कि कैसे मैं अपने डायमंड से आर्मर्स वगैरह बनाऊंगा। मेरे से बड़ा गुचड़ू देखा है किसी ने? नहीं देखा होगा। मेरे रेकलेस डिसीजंस मेरे को मरवा देते हैं। ओके, तो एक चेस्ट प्लेट नहीं, लेकिन मैं बनाऊं भी क्यों, मेरे को जरूरत कहाँ पड़ेगी, मेरे पास इतनी भयंकर चेस्ट प्लेट है। बस कि मैं कंफ्यूज्ड हूँ अब। मेरे को बनाने की जरूरत है, लेकिन अगर मर गया तो बनाना पड़ेगा ही, फिर मेरे को एक्सपी नहीं मिलेगी। लेकिन एक्सपी की टेंशन में ले भी क्यों रहा हूँ, हमारे पास एंडर ड्रैगन है यार, मैं 10 मिनट में जाके उसकी गुद्दी तोड़ के 66 XP कलेक्ट कर सकता हूँ, टेंशन की कोई बात ही नहीं है। बेसिकली देख रहे हो तुम, ये सारी तैयारी मैं इसलिए कर रहा हूँ ताकि अगर मैं मर जाऊँ, मैं मतलब मेरे मन में है, अरे यार मैं क्या बोल रहा हूँ, छोड़ो इसे। अरे दुनिया भर के दिल बरसा रहे हैं तो मेरे ऊपर। अब ऑनेस्टली बताऊं तो मेरे को ऐसा लगता है हमारी तैयारी पूरी हो गई, मेरे को सिर्फ लेगिंग्स लेनी है अपनी दूसरी, और हेलमेट ले लेते हैं, ये आयरन हेलमेट। ओ इस पे भी काफी कुछ लगा हुआ है। हेलमेट और लेगिंग्स उतार देते हैं, ये लगाया आयरन का। ओ भाई कितना अजीब लग रहा हूं मैं। हमने इन्फिनिट बो ले ली क्योंकि वो छोड़ते हैं ना, उनको हम दूर से मार पाएंगे। और स्लो पोशन लेना है मुझे क्योंकि वो हवा में उड़ा देते हैं मेरे को और फिर गिरने का खतरा हो जाएगा, तो स्लो पोशन अपने पास पड़े हैं बहुत सारे। ओ जैको लैंटर्न बना सकता हूँ मैं, मेरे पास एक वो पड़ा था, ये बड़े सही लगते हैं खास करके रात में, हैलोवीन पे यही बनाना चाहिए। अबे ये क्या है, वो हवा में तो और भी सही लगेगा, ये एक इधर भी लगाऊंगा मैं। मेरे पास दो पंपकिन और पड़े हैं, बना देते हैं ना अभी। आई एम प्रीटी श्योर ये चाहिए मेरे को, शीयर्स। ओ वाओ, ओके पुम पुम, एंड ये बन गए हमारे दो और, इधर लगा देते हैं। अबे कहाँ लगा दिया, इधर। रुद्र डरियो मत। एक मिडल में लगा दूँ ऊपर जाके। मेरे को पता है एक यहाँ लगाना चाहिए, अच्छा लगेगा यहाँ पर। यस ये मेरे को इंजीनियर वो क्या कहते हैं, डिजाइनर ही बनना चाहिए था। 26 पंपकिन पड़े हैं मेरे पास, 26 जैको लैंटर्न बना सकता हूँ मैं और सजा घेरूंगा पूरी अपनी विलेज को। अब जब हम क्योंकि यहाँ बैठे ही हैं तो क्यों ना यही करा जाए, लाइन लगा दो बिल्कुल पंपकिन्स की। ओके बूम, वाओ साउंड तो अच्छी आ रही है। तो अब हमारे पास हो जाएंगे 26 जैको लैंटर्न। ओ मेरे को ये और चाहिए, डन। अब मैं इनको इधर उधर प्लेस कर सकता हूँ। हाँ एक तो यहाँ पे कर देते हैं, दो इसके ऊपर, अच्छे लगेंगे ना। पुम, अरे वाह यार ये हवा वाला तो सही है। मेरे को वैसे जब मैं घर बना रहा था मेरे को बहुत नफरत थी क्योंकि ये हवा पे रह जाते थे, लेकिन इन मामले में अच्छा है, क्रीपी लगते हैं ना। रात को अच्छे लगेंगे जब शाइन करेंगे ना, पता नहीं मैं सही जगह प्लेस कर भी रहा हूँ या नहीं, अजीब तो नहीं लगेंगे? दूसरे विलेज वाले मजाक तो नहीं उड़ाएंगे मेरा? पता नहीं, जो मेरे को ठीक लग रहा है मैं तो वो कर रहा हूँ, मेरी विलेज है मैं कुछ भी कर सकता हूँ। और दो यहाँ पे लगने तो बनते हैं। अरे ये बिल्ली रानी इतनी सारी कहाँ से आ रही है, ये बेल थोड़ा सा पीछे कर देंगे। भाई तुम लोगों को जैको लैंटर्न चाहिए, मिडल है इसका कोई, यहाँ लगा देता हूँ, यहाँ लग ही नहीं सकता, ओ लग सकता है, एक इसी के सीध में इस साइड लगा देते हैं। पुम, एक मिडल में लगाना भी बनता है, फिर सही लग रहा है यार, बुरा तो नहीं लग रहा। रात को पता चलेगी इसकी असली ब्यूटी। जब मैंने घर बनाया था तब ये स्नो इधर उधर फैला दी थी, आज जाके थोड़ी सफाई कर रहा हूँ मैं अपने घर के सामने की। सॉरी रुद्र, मैं ये बिल्कुल नहीं करना चाहता था। रात तो हो गई पर सही बताऊं तो इतने शाइन नहीं मार रहे जितने मैंने मन में सोचा था। अबे बड़े डिम हो यार तुम लोग, हैं? लाइटें कहाँ हैं तुम्हारी, थोड़े और शाइनी होने चाहिए थे ये। डिसअपॉइंटेड भाई, ये 9 बचे हैं, ये घर के ऊपर लगा आता हूँ, 9 लग भी जाएंगे ये, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एक बच जाएगा, एक नहीं एक, अबे लग क्यों नहीं रहा, 1 2 3 4 5 6 7 8 बस इतने बहुत हैं, 2 का गैप छोड़ दिया दोनों जगह। ओके कैसा लग रहा है, वो दिख ही नहीं, अच्छा ये कॉबल स्टोन तो हटा ही नहीं मैंने। अभी चमकेगा ना मेरा घर। ओके कैसा लग रहा है, ऐसा नहीं लग रहा कि ये SPD का वो बड़ा वाला रोबोट वाली शेप ले रहा है कि जैसे अभी ये घर बदल बदल के एक बड़ा रोबोट बनेगा। सही लग रहा है भाई, मेरे को तो अच्छा लगता है अपना घर, देखो मैंने बड़ी मेहनत करी थी और जितना डिजाइंस हो सकते थे ना सब ढूंस दिए थे इसके अंदर, सही लग रहा है पंपकिन्स के साथ भी। अरे एक पंपकिन रह गया, चिप्पू के पास लगाए आते हैं उसे। अरे तुम लोग बोर हो गए यहाँ पे, तुम लोग आ सकते हो मेरे घर पे, आ जाओ। ये लगाएं कहाँ पर, बीचों बीच तो है ही नहीं यहाँ पे कोई, यहाँ लगा देते हैं। ओए वो हमारी चिप्पू है क्या, अरे तू फंसी पड़ी है यहाँ पे, नहीं अबे हाँ एक गुचड़ू, तेरे को ढूंढ रहा था मैं इधर आ। अबे ये बिचारी अटक गई है, ये लीड है पर मेरे पास, आजा छोरी। ये चिप्पू भगने की सोच रही होगी लेकिन बिचारी उस पानी में फंस गई। चलो भाई फिर से फैमिली कंप्लीट हो गई हमारी। कैट का म्यूजिक सुनो, एंजॉय करो।
ऑलराइट, तो आज के एपिसोड में मैंने जितने मजे लेने थे ले लिए। अब आज तो हम एंडी सिटी नहीं जा सकते क्योंकि प्रिपरेशन में इतना टाइम लग गया, लेकिन अब मैं फुली प्रिपेयर्ड हूँ, इसीलिए नेक्स्ट एपिसोड में हम सीधा एंडी सिटी में घुसेंगे। तो जी हाँ, ये टाइम है बाय बाय बोलने का। सब्सक्राइब कर देना अगर अभी तक नहीं किया है तो। 5 मिलियन पे माइनक्राफ्ट हार्डकोर शुरू करनी है हमें। अच्छा, मैं लाइक गेम्स रखता नहीं हूं, लेकिन क्या इस वीडियो पे हम 5 लाख लाइक्स कर सकते हैं? 5 लाख बहुत ज्यादा है, लेकिन क्या हम कर सकते हैं? लीव अ लाइक राइट नाउ, 5 लाख कंप्लीट करो। मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। एंड सिटी के टूर पे चलेंगे। गुड बाय।